ओम शांति। 5 नवंबर की चिरतरुण सुबह स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बाचा भवा। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, ना कोई नेगेटिव चीज़ हो, कोई बुराई है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपका आपके साथ में बुरा कर्तव्य कर रहा है, बुरे बिहेवियर कर रहा है आपके साथ में, बर्ताव कर रहा है उसमें, या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, चाहे धन के मामले में, तन के मामले में, संबंधों के मामले में, तो बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें, मतलब उसमें से भी हम सीख लें कि कौन से गुण, कौन सी शक्ति की कमी के कारण ही मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, जिसे मुझे अपने जीवन में वापस हासिल करना है, वो गुण वो शक्ति को। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ, जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। जहाँ पे आपने अगर कंप्लीट ट्रस्ट परमात्मा में डाल करके आपने बोला जो होगा बहुत अच्छा होगा, कैसा होगा, कैसे करेंगे, ये नहीं, बहुत अच्छा होगा, तो आप बेफिक्र बादशाह हैं। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। तो निश्चय किस पर? परमात्मा ने कहा था कुछ दिन पहले की मुरलियों में, वरदानों में, परमात्मा पर निश्चय, अपने आप में निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। ये सारे निश्चय अगर आपके पक्के हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए। ओम शांति।